हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। रोजगार सूचना के एक फ्रेश एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज पे इंडिया के टॉप एंड सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। इनमें से काफ़ी सारे जॉब्स आपको ऑल इंडिया बेसिस पे भी मिल जाएगा। मेल्स फीमेल सभी कैंडिडेट इस जॉब्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। ITI डिप्लोमा BTech डिग्री यहाँ तक कि 10th और 12th पास वाले कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। सो बिना कुछ देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर यू बिगिन, सब्सक्राइब टू द टेक संजू चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। दोस्तों, आज का जो पहला जॉब अपडेट आई है वो है SSC की तरफ से दिल्ली पुलिस में भर्तियाँ को लेकर। दोस्तों, यहाँ पे टोटल 5,846 पदों में पुरुष और महिला दोनों ही कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर सैलरी की बात की जाए तो फिर आपको पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से लगभग 70,000 रुपये आपको सैलरी मिल सकती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10+2 पास्ट वाले कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। 18 से 25 वर्षों के कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है और SC ST को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात किया जाए तो फिर आपको इसके लिए पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और लास्ट में आपको एक मेडिकल टेस्ट में यहाँ पर पास करना होगा। दोस्तों, इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो फिर आपको इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के लिए यहाँ पे फीस रखा गया 100 रुपये और SC ST इसके लिए एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों, इसका लास्ट एप्लीकेशन डेट रखा गया है 7 सितंबर 2020 को। इस जॉब का डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो दूसरा जॉब अपडेट आई है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर पोस्ट की बात किया जाए तो फिर सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट में यहाँ पे टोटल 3,850 वैकेंसी निकाली गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो फिर कोई भी ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, आपको मिनिमम 200 भी बैंक में एज ए ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है 30 साल। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो फिर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात की जाए तो फिर यहाँ पे पहले कैंडिडेट का इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू किया जाएगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा। और अगर एग्ज़ाम फीस की बात किया जाए तो फिर अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम फीस रखा गया 750 रुपये। और SC ST और PWD कैंडिडेट यहाँ इसके लिए एग्ज़ाम फीस एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का इम्पॉर्टेंट डेट है 27 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। आपको ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, आज का जो अगला जॉब अपडेट आई है वो है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार की तरफ से। अगर पोस्ट की बात की जाए तो फिर यहां पर फॉरेस्टर पोस्ट में टोटल 236 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फिर 10+2 वाले कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 25 साल के उम्र तक। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से यहाँ पे रखा जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है 10 सितंबर 2020 तक। आवेदन करने की डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो है जल प्रहरी वैकेंसी की मध्य प्रदेश से। दोस्तों, अगर पोस्ट की बात किया जाए तो फिर यहाँ पे जल प्रहरी पोस्ट पे टोटल 282 कैंडिडेट्स का यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे 10th पास कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 33 साल की उम्र तक। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से यहाँ पे रखा जाएगा। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एग्जाम फीस रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये और SC ST और OBC के लिए यहाँ पे 250 रुपये रखा गया है। दोस्तों, इसका लास्ट एप्लीकेशन डेट रखा गया है 10 अगस्त 2020 तक और इसका आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट जॉब अपडेट आई है वो है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से।
यहाँ पे अकाउंट क्लर्क पोस्ट पे टोटल 142 वैकेंसी निकाली गई है। अगर सैलरी की बात की जाए तो फिर 21,700 रुपये से आपको लगभग 70,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। 12th पास वाले कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, आपको यहाँ पे टाइपिंग का नॉलेज होना अनिवार्य है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 42 ईयर्स ऑफ एज तक। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो फिर आपको यहाँ पे पहले एक रिटन टेस्ट और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए एग्ज़ाम फीस रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपये और एससी एसटी के लिए 150 रुपये। इस आवेदन का लास्ट डेट रखा गया 14 सितंबर 2020 तक और इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे पोस्ट की बात किया जाए तो फिर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पोस्ट में यहाँ पे टोटल 158 वैकेंसी निकाली गई है। अगर सैलरी की बात किया जाए तो फिर 25,500 रुपये से 81,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो फिर 12th पास कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका स्टेनोग्राफी की टाइपिंग नॉलेज भी होना अनिवार्य है। 18 से 42 साल की उम्र तक कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो फिर आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। दोस्तों इस जॉब को भी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और इसका भी एग्ज़ाम फीस रखा गया है 300 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एससी एसटी के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम फीस रखा गया है 150 रुपये। इसका भी दोस्तों लास्ट डेट रखा गया 14 सितंबर 2020 तक और इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही खुशखबरी है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जहां पे यहां वर्क्समैन पोस्ट पे टोटल 471 वैकेंसी निकाली गई है। अगर ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात किया जाए तो फिर यहां पे शीट मेटल वर्कर, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, डीजल फिटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कारपेंटर, मशीनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, रिगर, या ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रखा गया 20 अगस्त 2020 तक। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट लिंक बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इंडियन रेलवे में ऑलरेडी जिन लोगों का जॉब मिल गया लेकिन अभी तक उन लोगों को जॉब के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे तो इंडियन रेलवे में इसके लिए मैक्सिमम टाइम रखा गया 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग करना ही होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के पेंडेमिक के वजह से आपको मैक्सिमम 6 महीने का यहाँ पे टाइम ग्रेस दिया जा सकता है। दोस्तों इसका डिटेल में मैं एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपडेट कर चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों ONGC की तरफ से यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडिया में एक महारत्न कंपनी माना जाता है, उसके तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का 1 साल के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो फिर नॉर्दर्न सेक्टर, मुंबई सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउदर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर मिला के यहाँ पर लगभग 4,000 वैकेंसी निकाली गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फिर डिग्री वाले कैंडिडेट जैसे कि BA, BBA, BCom, BSc, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जिसका ट्रेड सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल है, यहाँ तक कि ITI वाले कैंडिडेट जिसका ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, प्लम्बर, सर्वेयर, वेल्डर पोस्ट है, वो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो फिर 18 से 24 साल की उम्र तक कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से दिया गया है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पहले एक एग्ज़ाम होगा और वहाँ पे मेरिट बेसिस ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट है 17 अगस्त 2020 तक। इसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाली गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फिर 10th पास,
या फिर ITI जिसका ट्रेड फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, फाउंड्री मैन, वेल्डर या फिर इलेक्ट्रीशियन है, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। 14 साल से 23 साल की उम्र तक कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस रखा गया है। अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात की जाए तो फिर 10th ग्रेड का 70% और ITI ग्रेड का 30% मिला के आपका एक मेरिट लिस्ट होगा और उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले अप्रेंटिस पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया है 6 अगस्त 2020 तक। इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक धमाकेदार न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक जॉब फेयर के बारे में। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो एक फ्रेशर हो या फिर इस पैंडेमिक की वजह से उसका जॉब चला गया हो या फिर कोई भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट इस जॉब फेयर पर भाग ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है, इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। तो फिर बिना लेट किए आज ही अपना नाम यहाँ पे एनरोल कीजिए, या फिर बीटेक या फिर डिग्री वाले कोई भी कैंडिडेट इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक इस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगा। अगर कंपनीज की बात किया जाए तो फिर वेरियस रिप्यूटेटेड इंडस्ट्रीज, MSMEs ऑल ओवर द इंडिया से आपको जॉब पाने का मौका मिल सकता है। इसका डिटेल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और अगर इसका डिटेल्स जानना है तो फिर आप नीचे दिया गया नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तो फिर ये थे इस हफ्ते के टॉप 10 जॉब अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।